हमारा ये जो समाज है ना, ये इंडियन कल्चर के हिसाब से चलता है। मतलब करना सब कुछ है लेकिन बोलना कुछ नहीं। और अगर किसी ने बोलने की ठान ली या किसी ने बोलना शुरू किया तो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उसे गलत साबित करने के लिए, चाहे खुद के मन में वो सारी चीजें चल रही हों, लेकिन बोलेंगे दूसरे को। अब मेरा ये जो लाइफस्टाइल वीडियोस पे, मतलब ये लाइफस्टाइल जो कंटेंट है इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग दुनिया में जी रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी फैंटेसीज हैं, और वो लोग अपनी ऐसी ऐसी फैंटेसी उन लोगों की कि वो अपनी उस फैंटेसी से परेशान है, और उस फैंटेसी को लेकर उनके अंदर ये भावनाएं आ जाती है कि कहीं मैं अबनॉर्मल तो नहीं, कहीं मैं मेंटली सिक तो नहीं। ये मैं किन लोगों की बात कर रही हूं? वो लोग, वो हस्बैंड, वो वाइफ, जैसे कोई पर्सन है, कोई आदमी है। जनरली क्या होता है जो कॉमन लोग, मैं बताना चाहूंगी कि आदमियों में क्या टेंडेंसी होती है कि यार मैं अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख नहीं सकता, राइट? यही होता है। और जनरली आमतौर पर देखा जाए तो यही होता है। लेकिन अगर एक आदमी के अंदर ये फीलिंग है कि मैं अपनी वाइफ को हम बिस्तर होते हुए देखना चाहता हूँ किसी के साथ, और मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके अंदर ये चीज क्यों है? ऐसा क्यों चाहता है वो? वो कुकोल्ड बनना क्यों चाहता है? उसकी कैसी फैंटेसी है? और उसके अंदर ये बार बार विचार आता है, वो खुद भी परेशान है इस चीज को लेके कि यार मुझे और जैसा फील क्यों नहीं होता, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि अगर मेरी वाइफ को कोई देख लेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि मैं खुद चाहता हूं कि मेरी वाइफ किसी और के साथ हम बिस्तर हो, कहीं मैं अबनॉर्मल तो नहीं हूं? ये क्या है मेरे साथ? ये मेरे को क्यों हो रहा है ऐसा? इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले लोग लाखों हैं, वो इस लेवल पर बोल्ड हैं कि वो सारी चीजें कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं जो इस लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस में फॉलो होती है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। स्वैपिंग की वीडियोस डाल रहे हैं, पिक्स डाल रहे हैं, अपने चेहरे का नीचे का हिस्सा जितना वो दिखा सकते हैं सब दिखा रहे हैं, लेकिन इस लाइफस्टाइल, इस बोल्ड कंटेंट पर अपनी आइडेंटिटी के साथ कैमरे पे आकर बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से, इस बात से आपको ये चीज तो समझ आ जानी चाहिए बड़े आराम से कि जो लोग इस लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, वो कभी भी खुलकर आकर कैमरे के सामने अपनी आइडेंटिटी के साथ कभी भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे सके। ये वही कर पाएगा जो इस लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है। मेरी जो ये वीडियो है, ये किसी आम इंसान के लिए तो है ही नहीं, ये आम आदमी के लिए तो मैं बना ही नहीं रही हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनकी फैंटेसीज कुछ इस तरह की है, और वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और वो अपने आप को मेंटली सिक समझने लग गए हैं। उन्हें लगता है कि मैं अबनॉर्मल हूं। ये उन लोगों के लिए वीडियोज है। जब अपने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है कहीं भी कुछ भी। उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया में, मतलब कि दुनिया नहीं सॉरी इंडिया में, हिंदुस्तान में औरत तो छोड़ो कोई मर्द भी नहीं है जो इस प्रॉब्लम को लेकर बात कर सके, इस प्रॉब्लम को लेकर कोई आदमी आगे आ सके। औरत तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं। तो मैंने ये जो स्टेप लिया है इस वीडियोस को बनाने का, वो इसलिए लिया है कि जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग दूसरों के कारनामे देख के, दूसरों की वीडियोस देख के, दूसरों की फोटोज देख के भटक रहे हैं, जो ये सोच रहे कि सच में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, उनका भटकना बंद हो जाए, उनके लिए मैं वीडियो नहीं बना होता। हर वीडियो की अपनी एक अलग ऑडियंस होती है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी फैंटेसी से परेशान है। मेरी जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो लोग अपनी फैंटेसी से परेशान है और अपने आप को वो मेंटली सिक समझने लग गए हैं, और उन्हें ये लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई केमिकल लोचा तो नहीं है, मेरे अंदर ये विचार आ रहे हैं, इस तरह के विचार हैं, कहीं गंदी तो नहीं है, ये गंद तो नहीं है। अभी एक लड़की ने मुझसे कमेंट किया था कि मैम मुझे इस तरह की फैंटेसी आती है कि मेरे साथ कोई रेप करे। ओके, तो इज इट ओके? उसने मुझे बोला कि मैम इज इट ओके, तो ये फैंटेसी उसके अंदर क्यों आ रही है? तो ये जो प्रॉब्लम्स जो लोगों के साथ है उसका सॉल्यूशन मिलता है उन्हें मेरी वीडियोस में। मैंने उस लड़की को रिप्लाई किया है इस फैंटेसी के लिए, फैंटेसी ऑफ रेप, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अब रही बात आम खाने वाली, कि जिसने आम खाया हो उसे ही उसका स्वाद पता होता है। तो भाई बिना आम खाए
आप फ्रूटी पीकर भी आम का स्वाद ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी चीज का अनुभव लेना है तो उसके लिए आप वो चीज करें। आप दूसरों के अनुभव से भी अपना अनुभव बढ़ा सकते हो। बतेरी चीजें हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है। आप विकिपीडिया पे जाइए, आप कोरा पे जाइए, वहां पे रिसर्च मटेरियल है इन चीजों के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश में है। ओके, वो इंग्लिश में है। आप जाइए, आप भी अनुभव ले सकते हो वहां से। आपको वहां पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, इंडियंस लोग, जिन्होंने अपने क्वेश्चंस वहां पे लिखे हुए हैं, अपनी क्वेरीज वहां पे पूछी हुई है, अपने सवाल जवाब किए हुए हैं। आप जाके वहां से लगाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको वहां से अनुभव मिलेगा। आपको अनुभव ही चाहिए ना, कि अनुभव मुझे कहां से मिलता है। रिटर्न मटेरियल भरा पड़ा है, अंग्रेजों की वीडियो है भरी पड़ी है, मैं देखती हूँ इन चीजों को। बस मैं क्या करती हूँ, उसे ट्रांसलेट हिंदी में कर देती हूँ आपके सामने, अपनी लैंग्वेज में, एक सभ्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देती हूँ, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती हूँ। ये काम है मेरा। अब जैसे लोग बोलते हैं कि आप डॉक्टर हो, आप ये चीजें बता रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, मेरी जो और वीडियोज हैं, तो यहां पर सारी बात अनुभव की है, सारी बात रिसर्च की है। अब एक पर्सन कोई बीमार होता है, बीमार है मतलब उसे हल्का बुखार है, तो आप क्या करोगे? आप उसे बोलोगे यार पैरासिटामोल ले ले, ठीक हो जाएगा। अब वो क्या डॉक्टर है या वो खुद बीमार है? उसका अनुभव है ना, उसने चार लोगों को पैरासिटामोल खाकर ठीक होते हुए देखा है ना, लेकिन वो डॉक्टर तो नहीं हो गया ना। तो ये सारा एक्सपीरियंस होता है, उसने देखा है लोगों को, तो लोगों के अनुभव से भी अनुभव लिया जा सकता है। उसने देखा है कि हाँ पैरासिटामोल खा के लोग ठीक हो जाते हैं, हल्का फुल्का फीवर होता है, पैरासिटामोल खाओ आप ठीक हो जाओगे, तो वो डॉक्टर हो गया क्या? हिंदुस्तान हो या विदेश, लोगों की फैंटेसी एक जैसी ही होती है। मैं अंग्रेजों के वीडियो देखती हूँ, उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बता देती हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा है तो वो उस लाइफस्टाइल का हिस्सा हो। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी, आपने अपनी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में किसी कंटेंट को उठाया है और आप उसके ऊपर बात कर रहे हो तो आपने उसका टेस्ट लिया हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो लोग कुछ भी आकर कुछ भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल देते हो ना, जिसका ना सिर ना पैर, आप आकर कुछ भी बोल देते हो, 2 सेकंड लगते हैं कमेंट बॉक्स को डिसेबल करने में, बड़े आराम से। मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, डिसेबल भी कर सकती हूँ कमेंट बॉक्स, आप चाहकर भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मैं क्यों नहीं करती, क्योंकि मैं उन लोगों को सफर नहीं करना चाहती जो, जिनके लिए सच में मैंने ये वीडियो, अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जो सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से और उनको सोल्यूशन मिलता है मेरी वीडियो से, जो कहीं ना कहीं परेशान है अपनी फैंटेसीज को लेकर, और वो मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, अपने चीजें बताते हैं कि मैम मुझे ये दिक्कत है या ये परेशानी है, और मैं उनका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन देती हूँ। तो मैं आप जैसे लोगों के लिए ना, मैं उनको सफर नहीं कर सकती, दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने जो कमेंट बॉक्स है उसको डिसेबल नहीं किया है, वरना 1 सेकंड लगता है डिसेबल करने में। करके जाते हैं ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कोई अनाथ नहीं हूं, राइट? मैं कोई अनाथ नहीं हूं, इस धरती पे मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो आधी जिंदगी तो मैंने भी देखी है, और रियल फेस के साथ कैमरे के सामने हूं मैं, ये मेरा खुद का चेहरा है, किसी का मुखौटा मैंने लगा नहीं रखा है, राइट? लेकिन इस फेक दुनिया का एक क्लियर कट एग्जाम्पल मैं जरूर दे दूं कि जो भी लोग आकर मुझे फालतू के कमेंट करके जाते हैं ना, उनकी खुद की आईडी नहीं होगी वो ओरिजिनल। ये भी बता दूं मैं कि मैं तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल सारी चीजें बोलती ही मिल रही हूँ, लेकिन जो फालतू के कमेंट करने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं, वो कमेंट करने के लिए आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनकी खुद की आईडी नहीं होगी ओरिजिनल। वो उन्हें फालतू की बकवास करने के लिए भी किसी फेक आईडी का सहारा लेना होता होगा। और आपके इसी तरीके ने इस चीज को इतना बदनाम कर दिया है कि जो एक्चुअल में जेन्युइन पीपल हैं, जिनके साथ ये दिक्कतें हैं, जिनके साथ ये परेशानियां हैं, वो भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कोई फेक आईडी यूज करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि भैया ये तो फेमस होना चाहती है, चलो मैंने आपकी बात मानी, ओके आपकी बात ऊपर रखती हूँ, हाँ ठीक है भाई फेमस होना चाहती हूँ, ठीक है, कौन नहीं होना चाहता ये बताइए, फेमस कौन नहीं होना चाहता ये बताइए आप मुझे। ये जो क्या बोलते हैं, आप अगर फेमस होने की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा तो इनिशिएटिव ऐसा है, मैंने तो टॉपिक ही ऐसा उठा लिया अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, मैंने कंटेंट ही ऐसा उठा लिया जिसमें आज तक किसी औरत, तो छोड़ो किसी आदमी ने भी हिंदुस्तान में आज तक कैमरे पे फेस होके अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ किसी ने बात ही नहीं करी है।
तो फेमस तो मैं ना भी होना चाहूँ तो भी हो जाऊंगी, तो इसमें ये तो मेरे को तो कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो फेमस तो मैं वैसे ही हो जाऊंगी। हाँ, दूसरी चीज अगर फेमस की बात करूं तो जो अधनंगे कपड़े पहन के जो लड़कियां जो औरतें रील्स बनाती हैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, इतने वीडियोस वायरल हो रहे थे, ये बना दिया वो बना दिया, पता नहीं क्या क्या हाल वाला, जो वो वीडियोस बना के गाने गा रहे हैं ये सब कुछ, ये फेमस करने होने के लिए तो है क्या? उनकी फैमिली नहीं है ये सब कुछ फेमस के लिए? फेमस कौन नहीं होना चाहता ये बताइए मुझे, फेमस कौन नहीं होना चाहता? 90% लोग मरे जा रहे हैं फेमस होने के लिए। अगर फेमस होना गुनाह है तो ये 90% लोग मरे जा रहे हैं फेमस होने के लिए भाई। कंटेंट, और जो मैंने कंटेंट उठाया वो भी बहुत सोच समझ के उठाया कि भाई सिक मेंटेलिटी जिन लोगों की हो गई है उनकी, उन्हें आराम मिलेगा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर होंगी, जो कहीं ना कहीं अपने आप को अब नॉर्मल समझने लग गए हैं थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स मिलेगा। अभी तो सिर्फ 4 ही वीडियो डाली है मैंने, मेरे पास तो 200-300 वीडियोस का कंटेंट अवेलेबल है, आराम से रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको वीडियो में मेरी, एक से एक इन्फॉर्मेशन। अब मैं देती हूँ ओपन चैलेंज, टॉपिक मैं आप लोगों को दे रही हूँ जो मेरे हेटर्स हैं, करो कंपटीशन मुझसे, हेल्दी कंपटीशन, आई ऑलवेज वेलकम दैट। अगर करना ही है तो मुझसे कंपटीशन कीजिए, आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, टॉपिक आपको दे दिया है, अगर आपको करना ही है ना तो मेरे से कम। अब एक बात कहूँ आपसे, मैक्सिमम लोगों को तो ओरिजिनल आईडी के साथ गाली भी देने की हिम्मत नहीं होती, एंड आई एम गिविंग ओपन चैलेंज टू द हिटर्स कि आपको टॉपिक दे दिया मैंने, कीजिए मुझसे कंपटीशन। BDSM नेक्स्ट कंटेंट, इसके ऊपर वीडियो बनने वाली है।